ओम नमः शिवाय। आत्मा त्वं गिरजामति सहचरा प्राणशरीरं ग्रहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधे स्थितिर् संचारापदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं संभोस्तवाराधनम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बर्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविष्यवाणी। मैं आपके साथ पंडित चंद्रशेखर शर्मा लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल। आइए देखते हैं किस इस हफ्ते किसको मिलेगा मनचाहा प्यार, किसको मिलेगी कारोबार में तरक्की। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि तो मेष राशि के जो जातक हैं उनको मानसिक शांति तो रहेगी, परंतु मानसिक शांति के साथ असंतोष भी बहुत रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त और कुटुंब में किसी महिला से आपको धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। आपका अपने भाइयों के साथ मन मुटाव भी हो सकता है। बातचीत में संयत रहना होगा और वाणी में कठोरता के भाव भी रहेंगे। खर्च में वृद्धि हो सकती है, शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी और नौकरी में यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको मित्रों का सहयोग भी इस दौरान काफी अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए आपके लिए हम एक उपाय बताने जा रहे हैं कि आप पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाकर हनुमान जी के लिए चढ़ाएं। अब आते हैं वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के जो लोग हैं उनको आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन उनको आत्मसंयत रहना होगा। आपको अपनी भावनाओं को बस में रखना होगा। माता से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी और किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होने के साथ साथ आपको किसी दूसरे स्थान पर भी जाना पड़ सकता है। आशा और निराशा के मिश्रित भाव आपके मन में रहेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। परिवार में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन का योग भी आपका बनता है। तो आपके लिए मैं एक शुभ उपाय बता दूं कि आप नित्य प्रति गाय के लिए एक गुड़ की डली खिलाएं। अब आते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको मन में निराशा के भाव काफी उत्पन्न हो सकते हैं। माता का सहयोग भी मिलेगा, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन संभव है और संतान की ओर से आपको सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। वस्त्रों एवं गहनों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। किसी पुराने मित्र से आपकी भेंट भी हो सकती है। आत्मसंयत रहें, वाणी में सौम्यता रखें और परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। कार्य में परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। आपके लिए उपाय है कि आप बुधवार के दिन जिंदी 5 मछलियां बहते हुए पानी में छोड़ दें। अब आते हैं हम कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनको आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ साथ उनके कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं। आपके संतान सुख में भी वृद्धि होगी। आपको क्रोध के अतिरेक से बचना चाहिए। उच्च शिक्षा एवं शोध आदि के कार्यों के लिए विदेश प्रवास की संभावना बन रही है। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन के योग बन रहे हैं और आपका स्थान परिवर्तन भी संभव है। मन में शांति व प्रसन्नता का भाव रहेगा। आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, लेकिन आपको अति उत्साही नहीं बनना चाहिए। माता व परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से आपको अभी धन प्राप्ति का योग है। नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलने के साथ साथ आपको यात्राएं काफी करनी पड़ेगी। आपके लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आप भगवान शिव के लिए नित्य प्रति 3 बेलपत्र चढ़ाएं। इससे आपको मानसिक शांति के साथ साथ सभी का सहयोग मिलेगा। अब आते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके भवन सुख का विस्तार होगा। माता पिता का सहयोग मिलेगा
और वस्त्रों आदि के प्रति रुझान बढ़ेगा। आपके संचित जो धन है उसमें कमी आ सकती है। पठन पाठन में रुचि रहेगी, शैक्षिक कार्यों की सुखद परिणाम मिलेंगे, संतान सुख में वृद्धि होगी, आय में कमी व खर्चों में वृद्धि की स्थिति हो सकती है। इसलिए अपनी भावनाओं को आपको बस में रखना चाहिए। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ेगा और भवन सुख का विस्तार होगा। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आपके घर में धार्मिक कार्य भी हो सकते हैं और किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का आपका योग भी बनता है। तो मैं आपके लिए एक शुभ उपाय बताने जा रहा हूँ। आप नित्य प्रति 5 टमाटर काटकर उनमें काले तिल लगाकर बंदरों के लिए डालें, 1 सप्ताह। अब आते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि के जो जातक हैं उनको स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यों के प्रति जोश व उत्साह भी रहेगा। नौकरी व कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है। आपका भी कहीं यात्रा का योग बन रहा है। अफसरों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। मानसिक शांति के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि संभव है, लेकिन उसके साथ आपकी आय में भी वृद्धि होगी और आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। तो आपके लिए हम उपाय बता रहे हैं, आप नित्य प्रति भगवान शिव को दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। अब आते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के जो जातक हैं उनको मन में शांति व प्रसन्नता का भाव रहेगा, लेकिन आपको बातचीत करने में संयत रहना पड़ेगा। क्रोध के अतिरेक से बचें। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम रहेंगे। शोध आदि कार्यों के लिए दूसरे स्थानों पर यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। वाणी में कठोरता का भाव रहेगा। बातचीत में संयत रहना चाहिए। वस्त्रों आदि की ओर रुझान बढ़ेगा। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। आय में भी वृद्धि होगी और संचित धन भी बढ़ेगा, लेकिन मित्रों के साथ पार्टी करने भी जाना पड़ सकता है और मित्रों का काफी सहयोग भी मिलेगा। तो आपके लिए उपाय है कि आप अपनी जेब में 2 सुपारी रखें और शनिवार के दिन उन सुपारियों को किसी बहते हुए पानी में डाल दें। अब आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी भावनाओं को बस में रखना होगा और आपको आत्मसंयत रहना चाहिए। आपको अपनी संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है। शैक्षिक व बौद्धिक कार्यों से यश व मान सम्मान में वृद्धि होगी। परिवार में शांति रहेगी। वाहन सुख में भी वृद्धि होगी और परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन क्रोध भी उसके साथ साथ काफी अधिक रहेगा। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। माता का सानिध्य एवं सहयोग भी मिलेगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति भी होगी। तो आपके लिए उपाय है कि आप नित्य प्रति भगवान शिव का शिव चालीसा का पाठ करें। अब आते हैं धनु राशि। तो धनु राशि के जो जातक हैं उनको मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन फिर भी आपको क्रोध के अतिरिक्त से बचना चाहिए। घर परिवार में धर्म कर्म में रुचि होगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग भी है। इच्छा विरुद्ध कुछ नए कार्यों की जिम्मेदारियां मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। आपकी संतान को कष्ट हो सकता है। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा व कला व संगीत के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। तो आपके लिए उपाय है, आप नित्य प्रति ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात् इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। अब आते हैं मकर राशि। तो हमारे मकर राशि के जो जातक हैं उनको संपत्ति से आय में वृद्धि होगी और माता से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। कला व संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ रही है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। आय में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और संपत्ति से काफी फायदा होगा। संतान की ओर से आपको सुखद समाचार मिल सकता है।
नौकरी में तरक्की की काफी संभावना है। अफसरों का विशेष सहयोग मिलेगा। वाहन सुख का विस्तार भी आपको संभव है। तो आपके लिए उपाय है कि आप नित्य प्रति ओम सम शनिश्चराय नमः का 20 बार मंत्र जाप करें। अब आते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको माता का सानिध्य व सहयोग भी मिलेगा। बातचीत में संयत रहना होगा, लेकिन वाणी में कठोरता बढ़ेगी। आपके संचित धन में काफी कमी आ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार आदि कार्यों की सुखद परिणाम मिलेंगे। घर परिवार में धार्मिक संगीत के कार्य होंगे। वाहन सुख में वृद्धि होगी। क्रोध एवं आवेश की अधिकता को दबाकर रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में वृद्धि होगी और आपकी संतान को स्वास्थ्य विकार भी हो सकते हैं। लेखनादि कार्यों से आय में वृद्धि का योग बन रहा है। अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। तो आपके लिए जो मैं उपाय बता रहा हूं, आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को कुमकुम मिलाकर के अर्घ दें। अब आते हैं मीन राशि। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनको धैर्यशीलता में कमी आ सकती है। आपको अपनी भावनाओं को बस में रखना चाहिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। नौकरी में तरक्की के काफी योग तो बन रहे हैं और उसी के साथ आपकी आय में वृद्धि भी होगी। वस्त्रों आदि पर आपका खर्चा बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आएंगे और संतान को स्वास्थ्य विकार भी रह सकते हैं। मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन उसके साथ मन में असंतोष भी रहेगा। घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे। वस्त्रादि उपहार में आपको प्राप्त भी हो सकते। अनियोजित खर्चों में वृद्धि होगी और जीवन साथी से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। आपके लिए उपाय है कि आप नित्य प्रति राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं आपके नए राशि फल के साथ। मंत्रार्था सफला संतु, सफला संतु मनोरथा, शत्रुणां बुद्धिनाशाय, मित्राणां उदयस्तवा। ओम शांति शांति शांति।